नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने प्यार से शादी करना चाहते हैं? अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, उस शादी में कुछ अड़चनें आ रही है, परिवार नहीं मान रहा है, सगे संबंधी नहीं मान रहे हैं, कास्ट वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर वो स्वयं नहीं मान रहा है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों से दो उपाय शेयर करूंगी। ठीक है, दो ऐसे अचूक टोटके आपके साथ में शेयर करूंगी जिससे आप शादी में या प्यार में जो भी समस्या आ रही है उससे निपटा सकते हैं। ठीक है, चाहे जो भी हो, सामने वाला बंदा नहीं मान रहा है, बंदी नहीं मान रही, उसके घर वाले नहीं मान रहे, या जो भी अड़चन आ रही है, हर अड़चन को दूर करेंगे ये टोटके, मतलब आपके लव मैरिज को सक्सेस करेंगे। अगर आपका सपना है लव मैरिज करना तो उसको सक्सेस करेंगे ये दोनों टोटके। इन दोनों टोटके में से कोई सा एक भी आप करेंगे तो बहुत कारगर रहेगा। तो क्या है वो टोटके, चलिए आपके साथ में शेयर करें। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन आपको बनाना है लाल झंडा। ठीक है, इस तरह का आप लाल झंडा बना लीजिए। आप चाहे तो खुद बनाएं, आप चाहे तो बाजार में बनवा सकते हैं। आप खुद बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल टाइप काटना है, सिलाई लगानी है चारों कोनों पर। अब उसके ऊपर आपको चंदन से, ठीक है, घर पे जो चंदन होता है, सिंदूर होता है, उससे आपको लिख देना है जय श्री राम। ठीक है, उस झंडे पर आप लिख दीजिए जय श्री राम। और लिखते समय आपकी जो भी इच्छा है, मतलब आप जिससे शादी करना चाहते हैं वो इच्छा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरी उससे शादी हो जाए, मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरी उससे शादी हो जाए, इस तरह का मन में चलते रहना चाहिए। अब आप जाएं किसी भी बालाजी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर जाना है आपको, और आपको ये झंडा वहां पर लगा देना है। ठीक है, बालाजी के या तो चरणों में, आप चाहे तो वहां बालाजी के यहाँ पर कहीं पर भी इस झंडे को गाड़ दीजिए। मंदिर के बाहर गाड़ दें, मंदिर के अंदर गाड़ दें, इस झंडे को जिस तरह से झंडा लगता है उस तरह से इसे गाड़ दें। ठीक है, बहुत ही काम करेगा, बालाजी हनुमान जी आपकी इच्छा को जल्द से जल्द पूरी कर देंगे। तो ये तो हुई बात पहले टोटके की, अब मैं बताती हूँ दूसरा टोटका। दूसरे टोटके में आपको क्या करना है, आपको लेना है एक स्टील का डब्बा, या तो स्टील का लें या फिर ले चांदी का। स्टील का इस तरह का कंटेनर ले लीजिए या फिर चांदी का हो, इन दोनों में से बस ये दोनों प्रकार का लेना है। अब इसमें आपको लेना है नमक और शक्कर, दोनों बराबर मात्रा में लेना है। ठीक है, जैसे अगर 100 ग्राम नमक लेते हैं तो 100 ग्राम शक्कर लीजिए, इन्हें मिक्स कर दीजिए और इस डब्बे में डाल दीजिए। साथ में इसमें आपको एक गाड़ देना है नींबू, ठीक है, पूरा खड़ा नींबू जिसमें डंठल हो, ठीक है, जिसके पीछे थोड़ी सी डंठल हो, वो नींबू इन नमक और शक्कर के बीच में गाड़ देना है। गाड़ने के बाद डब्बे का लगा दीजिए ढक्कन और इस डब्बे को पैक कर देना है आपको लाल कलर के कपड़े में। ठीक है, लाल कलर में कपड़े डब्बे को पैक कर देना है। अब इस डब्बे को, इस लाल कपड़े में बंधे हुए डब्बे को लाल कपड़े के साथ में आपको किसी ऐसी जगह छुपा देना है जो किसी को ना दिखे, जो कोई किसी को ना तो नजर आए ना कोई उसके जगह पहुंच सके। चाहे तो आप आपके घर में कहीं किसी जगह पर इसे गाड़ दें या फिर ऐसा करें कि जो किसी को दिखे नहीं। अब लगभग 40 दिन बाद, ठीक है, पूरे 40 दिन बाद आपको इस डब्बे को वहां से निकालना है। ठीक है, जहां भी आपने इसे छुपाया है वहां से निकाल लीजिए। निकालने के बाद में डब्बा खोलिए, पहले कपड़ा खोलिए, डब्बा खोलिए, इसमें जो आपने वो नींबू रखा था उस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर आपको किसी चौराहे पर फेंकाना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये जो आप उपाय करेंगे, आपने नमक और शक्कर का मेल किया, ठीक है, आपके जो लव लाइफ है, आपका जो प्यार है, उन सबको आपने मिलाया और उसके अंदर जो भी खटास थी, जिस वजह से वो खटास आ रही है, उसको नींबू में खींच लिया, उस नींबू ने खींच लिया, उस खटास को अपने ऊपर से वार के आपने 4 रास्ते पर फेंक दिया है। इससे क्या होगा, आपके प्यार में आ रही सारी समस्याएं उस रास्ते पर फेंक आए हैं, आपकी हर बला, हर दिक्कत दूर हो गई है, फिर आप अपने प्यार को पाने की कोशिश में लग जाएं। देखिए, आप 100% सफलता पाएंगे। और आज तक नहीं सुना होगा आपने, पर ये नुस्खा इतना गजब का काम करेगा कि आपके प्यार में कितनी भी बड़ी अड़चन हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी अड़चन हो, होगी दूर और शादी होगी ही होगी। आप मुझे कमेंट करके खुद बताएंगे कि मैडम ना होने वाला काम हो चुका है और हमारी शादी हो चुकी है। करके देखिएगा इन उपायों को, इन दोनों में से कोई एक उपाय भी अगर आप कर लेंगे तो बहुत ही काम का है।
ठीक है। इन दोनों टोटकों में से अगर कोई एक टोटका भी आप कर लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा काम के हैं। और देखिए प्यार जीवन में, अगर हम हमारा जीवन पूरा शादी पर टिका होता है और शादी अगर पसंद के इंसान से हो जाती है तो जीवन हो जाता है स्वर्ग। तो इस उपाय को, इन टोटकों को करके आप भी अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, अपना मन चाहा साथी पा सकते हैं। करके देखिएगा और वीडियो कैसा लगा मेरे साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकॉन है उसे हिट करना बिल्कुल ना भूले। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ध्यान। बाय बाय।